खबर ही इतनी बड़ी थी कि मैं अपनी शॉप पर ही वीडियो बनाने पर मजबूर हो गई, क्योंकि जब ऐसा न्यूज आता है सबसे पहले आपको दूं, इसलिए मैं समय और जगह नहीं देखती कि मैं कहां पर हूं। अपनी शॉप पर बैठी थी और अभी अभी मैंने खबर सुनी, तो बहुत बड़ा एक्शन भगौड़ी पे हो चुका है। एक नहीं, दो दो तीन तीन जगह से जैसे आती है ना, कहती है मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, कभी रोती है और फिर कहती है रोती हूँ तो लोगों को रोने से परेशानी है, हंसती हो तो सीमा की खुशी से परेशानी है। तो ये अपनी सफाइयाँ जो देती रहती है, फाइनली उन सब पर एक्शन हो चुका है। भगौड़ी चारू खाने चित हो चुकी है, इसका बचने का कोई भी रास्ता नहीं बचा है। सबसे पहले मोबिन मलिक सर की तरफ से आपको अपडेट देती हूँ, क्योंकि मोबिन मलिक सर काफ़ी दिनों से लाइव नहीं आ रहे हैं, वो अपने काम में अपनी प्रक्रिया में लगे हुए हैं और इसकी पेट में मरोड़े उतर रहे कि मोबिन मलिक सर लाइव क्यों नहीं आ रहे, क्यों कोई अपडेट नहीं दिया जा रहा, आखिर ऐसा क्या बात है। तो आपको बताती हूँ, मोबिन मलिक सर की तरफ से दो और FIR इस पे होने वाली है, जो कि मैं अभी एक लाइव देख रही थी, सरिता जी का अपडेट मुझे मिला जिसमें उन्होंने कहा कि दो और FIR इस पे मोबिन मलिक सर की तरफ से होने वाली है। 11-12 शायद FIR इस पे हो चुकी है, लेकिन उसके बाद ये लगातार जो वायलेशन कर रही है कानून का, कानून तोड़ रही है और वो चीज़ों को मानने को तैयार नहीं है बिल्कुल। भैया तुम आम लोगों का बात नहीं मानो, केवल कानून की बात तो मानो, जो कानूनी शिकंजे तुम पे कसे उसका वायलेशन तो मत करो, लेकिन ये नहीं मानी। फाइनली इस पर दो और मुकदमे होने हैं, वैसे तो हमें पता चल चुका हो क्या होने हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि मोबिन मलिक सर सोशल मीडिया पर आके खुद उन दो चीज़ों को बताए जो कि मुझे सरिता जी के उस माध्यम से पता चला। दूसरी बात है कि पाकिस्तान से भी इस पर बहुत बड़ा एक्शन हो चुका है। जो लोग कहते हैं जब तक पाकिस्तान कोई कदम नहीं उठाएगा भगौड़ी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि ये पाकिस्तानी सिटीजन है और यहाँ पे भारत में इसके खिलाफ कोई कुछ बोल नहीं रहा पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान से भी इस पे एक्शन हो चुका है, क्योंकि एक जो चैनल है अल्लाहू उसमें वो भाई के द्वारा बताया जा रहा है कि पाकिस्तान से जो रोशन अली आजीम गुलाम हैदर के वकील है वो और वो भाई और दो तीन लोग और वहाँ के जो जर्नलिस्ट वगैरह मिलकर इस पर दो तीन FIR और कराने वाले हैं, और या करा चुके हैं, क्योंकि मैंने कल न्यूज़ देखी तो आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और कुछ न्यूज़ आज और कुछ कल की मिला के मैं कल वीडियो नहीं बना पाई थी इस पर, तो मैंने सोचा चलो आपको अपडेट यहीं पे बैठे बैठे दे दूँ। पाकिस्तान में जहाँ ये पैदा हुई पली बड़ी, उसको लेकर जो इसने बयान दिए हैं वो बयान बड़े भड़काऊ बयान हैं, उससे हिंदू मुस्लिम और इस तरीके की जो स्थिति पैदा हुई है उसको लेकर जो बयान है, पाकिस्तान मुर्दाबाद के जो इसने नारे लगाए हैं, जो ये पाकिस्तानी सिटीजन है लेकिन अपने मुल्क के खिलाफ इसने गलत बोला है, उसको लेकर पाकिस्तान ने तगड़ा एक्शन ले लिया है। साथ में इसने जो अपने मक्का मदीना के बारे में गलत बोला है, लोगों को आपस में भड़काने की कोशिश की है, हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की है, उस पर भी पाकिस्तान ने तगड़ा एक्शन लेने का डिसीजन ले लिया है। और बोला गया है कि रोशन अली आजिम सर और ये सब मिलकर सीमा हैदर पर पाकिस्तान से FIR कराने वाले हैं, और उनका कहना है कि सीमा हैदर को सबसे पहले तो भारत में जेल होगी, और कोई भी इलीगल व्यक्ति अगर किसी देश में चला जाता है तो कभी भी उसे देश में नहीं रोका जाता, उसकी सजा पूरी होते ही उसे डिपोर्ट कर दिया जाएगा। उनका यह भी कहना है कि सीमा हैदर जैसे ही भारत की सजा काटेगी उसके बाद इसको नेपाल फेंका जाएगा, क्योंकि ये नेपाल के रास्ते ही भारत में एंट्री की है, नेपाल तक ये लीगल प्रोसेस के तहत आई है, वीजे के तहत आई है, लेकिन नेपाल में इसने जो झूठ बोला है, नेपाल में इसका झूठ का जो फंडा फोड़ हुआ, वहाँ पे मोबिन मलिक सर द्वारा जाने के बाद और सर्वे करने के बाद जो इस पे नेपाल ने कार्रवाई की है, भारत की सजा काटने के बाद 10 साल 20 साल जो भी है इसको फिर नेपाल फेंका जाएगा, नेपाल में 10-20 साल जो है वो सजा काटेगी, उसके बाद इसे पाकिस्तान डिपोर्ट किया जाएगा। और पाकिस्तान के लोगों का कहना है, जो भी जर्नलिस्ट वहाँ पे बैठे थे उनका कहना है कि इंडिया में तो इसकी बहुत खातिरदारी की इंडिया के लोगों ने, कुछ जर्नलिस्ट ने, कुछ सामाजिक व्यक्तियों ने, लेकिन पाकिस्तान में हम लोग वाघा बॉर्डर पर इसका इंतजार करेंगे दिल खोल के, जैसे ही वाघा बॉर्डर से अंदर आएगी इसकी बहुत अच्छे से स्वागत किया जाएगा। अब पाकिस्तान कितना अच्छा स्वागत करेगा आप जान सकते हो, अंदाजा लगा सकते हो, क्योंकि अपने देश से गद्दारी, अपने देश के खिलाफ नारेबाजी और तमाम चीज़ें करने का अंजाम आप सभी जानते हो, बताने की ज़रूरत नहीं। और तीसरा जो मैं अपडेट आपको देने जा रही हूँ वो है अंसार बरनी जी के द्वारा। अंसार बरनी जी ने जो बच्चों के मामले से लंदन से लेटर लिखा था भारत सरकार को,
उस पर तगड़ा एक्शन हो चुका है। सीमा हैदर के खिलाफ भारत सरकार ने एक्शन ले लिया। बीच में जो लप्पू और सीमा हैदर के बच्चों को लेकर सवालात खड़े हो रहे थे, काफी सवालात खड़े हो रहे थे, लोग कार्रवाई कर रहे हैं, उस पर एक्शन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन सीमा हैदर सोशल मीडिया पे आके कहती मेरे बच्चों के बारे में गलत बोलते हैं, मेरे उसके बारे में गलत बोलते हैं। अरे ये कानूनी लड़ाई है, तीन देशों को धोखा दिया है, तो कहीं ना कहीं तो तेरे सर पे गाज गिरनी है सीमा हैदर, तूने किया ही ऐसा है। तो यहाँ पे गुलाम हैदर के बच्चों की सेफ्टी के लिए जो कदम उठाया गया था, उसमें अंसार वर्नी जी का जो शायद हुसैन है उसके चैनल पे मैंने देखा कि अंसार वर्नी जी कह रहे कि बच्चों के हवाले से गलत हुआ है, क्योंकि ये कहती है वो एक पिता है, पिता का प्यार दे रहा है, जब ये सगे पिता को कहती है बच्चों को बेच देगा गुलाम हैदर। लप्पू के खुद के बयान है कि गुलाम हैदर अपने बच्चों को इतने लाख, मतलब उसने एक वो इनकम भी तय कर दी कि इतना अमाउंट में बच्चों को बेच दिया है। तो लप्पू का सरेआम इल्ज़ाम है गुलाम हैदर पे, उसने अपने बच्चे बेच दिए। वहीं पे गुलाम अंसार बर्नी की तरफ से यहाँ पे बच्चों के हवाले से जो चीज़ एक्शन लिया गया था कि बच्चों को यहाँ पे गलत यूज़ किया जा रहा है और उनके साथ गलत हो रहा है, जिस तरीके से लप्पू उनके साथ बिहेवियर करता है, तमाम मैं यहाँ पे बोल नहीं सकती हूँ, उस चीज़ को लेकर लोगों ने भी आवाज़ उठाया, तो अंसार बर्नी जी ने भी वहाँ से आवाज़ उठाया। और बीच में जो है रघुपुरा में एक टीम आई थी बच्चों के लिए जांच के लिए, उस जांच में पाया गया कि बच्चे वहां पर नहीं थे, अवेलेबल नहीं थे उस जगह पे जो बेल में लिखा गया है, बच्चे वहां पर नहीं थे। जब उनसे पूछा गया कि बच्चे कहाँ हैं गुलाम हैदर के, तो बताया गया बच्चे अपने बुआ के घर है जो वहां से 3-4 गांव दूर है, मतलब माँ के पास बच्चे नहीं थे, तो बच्चे सुरक्षित हैं क्योंकि वो पाकिस्तानी सिटीजन है, इंडिया में उनका कोई भी अपना नहीं है। इस तरीके से बच्चों को 3-4 गाँव अलग भेजना और माँ अपने सोशल मीडिया पर तमाम चीज़ें कर रही है, अपने मन मौजी कर रही है, अपनी ज़िंदगी बिता रही, खुशहाल ज़िंदगी बिता रही, लोगों को बुला रही है, तरह तरह के लोग उसके घर में आ रहे हैं जो कि बच्चों के लिए किसी भी तरीके से सही नहीं है। उसको लेकर भारत सरकार ने तगड़ा एक्शन ले लिया। भारत सरकार ने रिपोर्टें मांगी थी, उस पर सबूत पेश कर दिए गए हैं, उस पर एक्शन हो चुका है, यानी कि सीमा हैदर चारू खाने चित्त हो चुकी है, इसके बचने का कोई भी रास्ता अब नहीं बचा है। और अब मोबिन मलिक सर लाइव नहीं आ रहे, मोबिन मलिक सर कोई भी अपडेट नहीं दे रहे, तो सीमा हैदर को लूज मोशन चालू हो गया भैया। अब इसके चेहरे पे देखियो हवाइयां उड़ गई, और बीच में थोड़ा सा रोध हो रही थी तो अंजलि फिर पागलों की तरह लाइव में आ गई। मतलब इनका यह है ना कि भाई हम तो डूबे सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे वाला हिसाब है। अब अंजलि फिर कल बदतमीजी कर रही थी, इतनी तगड़ी धाराओं के बाद ये बदतमीजी कर रहे। लोग कहते हैं कि इनके ऊपर बड़े बड़े लोगों का हाथ है, तो ना जी ना, हम कहेंगे किसी का हाथ नहीं है, क्योंकि भारत सरकार माननीय अदालतों के फैसले के आगे बड़े बड़े लोग धराशायी है, किसी की हिम्मत नहीं है अदालतों की अवहेलना कर दे, किसी की हिम्मत नहीं है जो कोर्ट के फैसले को नकार दे। इसलिए कितनी ही बदतमीजी करे, मैं तो इनकी बदतमीजी को इनका अनपढ़ जाहिल गवारपन कहूँगी, क्योंकि कोई शिक्षित पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेगा। जो अंजलि आती हो कुछ भी उसके मुंह से निकल जाता है, और साथ में लप्पू ने अपने लिए खाई और गड्ढा दोनों खोद दिया। मतलब इसको पता भी नहीं है जो उम्र पढ़ने लिखने खेलने कूदने की होती है, उस उम्र में गुलाम हैदर के चार बच्चों को जबरदस्ती अपना पिता बनने को बोलता है। अरे पिता बनने के लिए पहले उम्र तो देख अपनी, और फिर अगर बच्चों को अडॉप्ट करना चाहता, तेरी उम्र खुद इतनी नहीं है कि तू चार चार बच्चों की परवरिश कर, वो भी पाकिस्तानी। भैया तू खुद लेके आया था ना, तूने खुद अपने सर ओखली में दिया है, तो अब मोस्टली से क्या डरता है, लोग तो मोस्टली मारेंगे। अब तो इसने चारों तरफ से अपनी आफत काट ली है। वही भगोड़े का अब हालत खराब है, क्योंकि उसे पता है 10-15-20 साल जितना भी है भारत की जेल में सजा काटेगी, उसके बाद ये नेपाल के जेल में सजा काटेगी, उसके बाद पाकिस्तान इसका इंतजार कर रहा है। जैसे ही सीमा इधर बाघा बॉर्डर पे जाएगी, इस पर कितना बुरा होने वाला है ये सीमा हैदर अच्छी तरीके से समझ सकती, क्योंकि ये कहती है ना पाकिस्तान जाहल है, पाकिस्तान कुछ कहती है, मैं अभी दिमाग में नहीं आ रहा, पाकिस्तान में ऐसे है, वहाँ बच्चों को बचपन से इस चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती है, ये करा जाता हो, इसको पाकिस्तान की ज़्यादा नॉलेज है, लेकिन ये वहाँ की सिटीजन है, वहाँ की नागरिक है, ये उसके खिलाफ बोली तो भारत के लोग समझ चुके हैं। जब ये अपने मुल्क के खिलाफ इतना 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 गलत बोल सकती है, तो भैया ये फिर भारत को क्या बख्शेगी, ये किसी को भी ना बख्शने की। जब इसकी इसके अब्बू की मौत हुई तो ये बंदी
खुद उसे धोखा दे के भाग रही थी, और जब इसकी सास की मौत हुई तो ये बंदी सोशल मीडिया में हा 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 करके रघुपुरा में बैठ के लाइव कर रही थी। इसको मतलब रत्ती भर भी अफसोस नहीं हुआ। कोई दुश्मन भी अगर चला जाता ना दुनिया से, थोड़ा सा संपत्ति होती है यार, व्यक्ति कितना ही भी बुरा था दुनिया से चला गया, कम से कम थोड़ा सा उसके वजह हमारे पड़ोस में अगर किसी की मौत हो जाती ना, हम जानते भी नहीं है उसको, थोड़ा सा दिल नहीं करता आज वीडियो बनाया, आज कुछ करें मन नहीं करता, क्योंकि भैया कोई भी हो व्यक्ति दुनिया से चला गया, इसकी अपनी सास दुनिया से चली जाती, लेकिन ये भैया झटके बटके नहीं छोड़ती। इसको पता है कुछ भी हो जाए, कितना ही नीचे गिरे, ये पैसा कमाना इसका जन्म सिद्ध अधिकार है। अब जेल में कितना कमाएगी पता नहीं। कुछ लोगों का मुझसे सवाल है, दीदी ये जेल का माहौल गंदा कर देगी। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जेल में जो सजा इसे मिलेगी इसके मुताबिक नहीं मिलेगी। रघुपुरा में तो ये अपने मुताबिक चलाती ना, क्योंकि वो रघुपुरा है भाई, 200 लोगों के चैनल ये चला रही है, आपने खुद कहा है, और तरह तरह के भांति भांति के लोग इससे मिलने आ रहे हैं, जी अपनी अपनी पहचान बना रहे हैं, और सोशल मीडिया यूट्यूब से ये लोगों को प्रमोट कर रही है। जेल में इसको मोबाइल थोड़ी ना मिलेगा, इंटरनेट चलाने की सुविधा थोड़ी ना मिलेगी, वहाँ तो यही दिन याद करेगी जो अभी इसको दिख रहे, अपने अच्छे दिनों को देख देख के सुन सुन के कोसेगी अपने आप को, काश मैंने अपने आप पे लगाम लगाई होती, काश गुलाम हैदर इतना पैसा भेज रहा था मैंने उसी पे संतुष्टि की होती, काश मुझे ऐसी जिंदगी जो गुलाम हैदर दे रहा था मुझे 80-80, 90-90 हज़ार रुपये उसको मैंने इज्जत के साथ रखा होता, काश अपना घर बचाया होता, अपनी वजह से अपने पैर में कुल्हाड़ी मारी, अपना घर फूका अपने, क्योंकि जिन बच्चों के कारण ये भारत में रुकी है, जिनके कारण इसे बेल मिली है, उसका वायलेशन ये लगातार कर रही है। दोस्तों तो आप लोगों को परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, फिर से वही कहूँगी, रुको जरा सब्र करो, ऐड चलता है ना तो सब्र करो, क्योंकि हमारा कानून बड़ा सटीक है और बड़ा अच्छे से काम करता है। सीमा हैदर की पुंगी बच चुकी है, इसको भगवान, ये कह रही थी ना मुझे भगवान पे भरोसा है, हमें भी है सीमा हैदर भगवान पे, कि सच का साथ हमेशा ऊपर वाला देता है और हमेशा देगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मैं मंजू विश्वकर्मा दोनों तरफ से छोटी सी समाज सेवी को अपने वीडियो के माध्यम से हमेशा सच दिखाने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें, नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद।